की दाल। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। हम राज्य कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो। अरे रसोईया महाराज से निवेदन है कि आप लोग दो लाइन लगाइए कि लंबी लाइन बने, हमको हमको दिखाना है सरकार को। आप लंबी लाइन लगाइए तो दो बोले पिछले एक भी सो रहा। हम इसके बाद हम बोल के निकले वहां जो कार्यक्रम है। यदि मानदेय नहीं आएगा तो बीएसए कार्यालय में पूरी रसोईया हमारी 7000 महिलाएं बीएसए कार्यालय में पड़ाका बजाने का काम करेगी। 8 महीना हो गया हमारी रसोईया का अभी तक मानदेय नहीं आया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मानदेय हम दें, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, पर सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम हम लोग करेंगे। यहाँ से जलूस के साथ बीएसए करा ले हम लोग अपना धरना प्रदर्शन, बेलना और छनावटा। क्यों? इसलिए कि पेट नहीं भर रहा है, वो हमारी रसोईया है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और काम कर रहे हैं तो उनको कुछ हथियार नहीं है, तो अपना बेलना छनावटा दिखाने का सरकार को काम। उत्तर प्रदेश रसोईया कर्मचारी संघ है जो मिड डे मील योजना में खाना बनाने का काम करती है, और इनको अप्रैल से लेकर के अब तक मानदेय नहीं मिला है, जबकि इसके लिए हम लोगों ने बराबर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जिलाधिकारी माध्यम के ज्ञापन दिए, बेसिक ज्ञापन दिए, लेकिन मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। आप भली बात अवगत हैं कि दिवाली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, और ये बहुत गरीब महिलाएं हैं, इनका मानदेय मात्र 1500 रुपये, वो भी पूरे वर्ष में मात्र 10 महीने 12 महीने भी नहीं मिलता। इसके लिए हम सड़क पर आ जाएंगे। यही तो दिक्कत है, 1500 रुपये मानदेय और भुगतान में हो रहा है। अब आज हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि हम लोग दीपावली नहीं मनाएंगे और दीपावली बेसिक कार्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर मनाएंगे, इसका भी हम लोग आज निर्णय लेंगे।